हाय फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल से प्रसन्नजीत इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। अभी आपका सामने जो मछली दिखाई दे रहा है, देखिए पापता फिश है यार, उसका पेट बहुत फुला हुआ है और उसका साथ साथ उसका आंखें भी व्हाइट हो चुका है। ये हमारा अंबिकापुर जो सेमी बायफ्लक प्रोजेक्ट था उसमें मरा था 125 पीस एक ही दिन में। 5-6 दिन से बहुत बारिश हो रहा था, उसका बाद ये प्रॉब्लम आया। कभी भी आपका प्रॉब्लम आपका पॉन्ड में कभी भी अगर प्रॉब्लम आया, अचानक 50-60 को मछली मोटाई की हुआ, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका सामने देखिए वाटर कलर जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा वाटर क्वालिटी है। बारिश होने के बाद भी उतना चेंजेस हुआ नहीं, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। उसका सेकेंड डे शायद उसमें आपको मछली मरेगा नहीं, बट इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या होता है ना, मछली का गिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसीलिए आप उसका नेक्स्ट डे पॉइंट पोवो केयर जो मंथली डोज है आपका कल्चर मैनुअल में, तो उसी डोज को अप्लाई कीजिए और आपका जो फीड है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। उसका साथ साथ आप अच्छे से नोटिस कीजिए साइड में कोई मछली मरा हुआ है क्या, ग्रुप छोड़ के कोई मछली साइड में घूम रहा है क्या, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर स्क्वायर फीट में 12 पीस मछली है, मतलब बहुत ही हाई डेंसिटी में मछली है। और उस टाइम हमारा वेंचुरी पाम्प भी नहीं था। ये वीडियो आपका कम से कम 2 महीना पहले का वीडियो है, मैं आपको पहले बार भी बताया था, हमारा सारा वीडियो 2 से 2.5 महीना लेट में चल रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो दिन में हमने पोवो केयर डाल दिया, उसका बाद नाइट में आपको प्रॉन्ड पोवो की ओर जरूर डालना है। काल डालूंगा बोल के लेट नहीं करना है आपको, आपको एक काम नाइट में ही कर लेना है। अगर अचानक आपका मछली मोटाई हुआ, डोज कितना डालना है जो आपका कल्चर मैनुअल में पॉइंट प्रिपरेशन टाइम में पॉइंट पोवो केयर का जो डोज आपने दिया था वही डोज आपको अप्लाई करना है और एकदम अच्छे से घूमना है। और आपको नाइट में अच्छे से देखना है पापदा अगर मछली है, गुलसा है, सिंगी है, मुड़ल है, तो देखना पड़ेगा रात का टाइम में ऊपर में तैर रहा है क्या, एकदम एरोप्लेन जैसा। अगर एरोप्लेन जैसा मछली तैर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है। और मछली अगर आपका तालाब में एकदम साइड में घूम रहा है एरोप्लेन जैसा, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ये आपको सिर्फ रात को ही दिखाई देगा, इसीलिए कैटफिश का प्रॉब्लम आपको नाइट टाइम में अच्छे से देखना है। और नाइट में आपने काम कर लिया, इसका बाद दिन में भी आपका बहुत सारा काम है, वो भी मैं आगे आगे बताता हूँ, आप वीडियो में रहिए। और इसका नेक्स्ट डे पहले जो आपने पोवो केयर का डोज दिया था, मतलब पॉइंट पोवो केयर का, नेक्स्ट डे सुबह और एक बार आप उसको रिपीट कर दीजिए। और उसका साथ साथ अगर पॉसिबल होगा फॉल्स नेटिंग, मतलब घाटन जो रस्सी में लगा के आपको बताया था, एक साइड से दूसरा साइड एक बार खींचना है, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला जो भी गैस रहता है वो आपको निकल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, बारिश का टाइम में चारों साइड से पानी आपका तालाब का अंदर आता है और बहुत ही जैसे आपका जंगल बन जाता है तालाब का चारों साइड, वो सालाना वहाँ पे डिकम्पोस्ट हो जाता है, वहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा रहता है और अचानक आपका तालाब में अंदर आ जाता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है हर बार ही आपका प्रॉब्लम होगा, नया तालाब होगा तो प्रॉब्लम होने का चांसेस थोड़ा सा है। अगर आपका पॉइंट 1 साल से ज़्यादा हो गया सेमी बायफ्लक में, तो उसमें प्रॉब्लम आने का कोई भी चांसेस नहीं है। और आपका बायफ्लॉग लेके, सेमी बायफ्लॉग लेके, आरएस कल्चर को लेके, केज कल्चर को लेके, ऑर्नामेंटल फार्मिंग और ब्रीडिंग फार्मिंग को लेके, जो भी आपका क्वारी से हमारा डिस्क्रिप्शन में जो हेल्पलाइन नंबर है उसी नंबर पे संपर्क कर सकता है। ओके, थैंक यू।